मित्रों आज के टॉपिक में बात करेंगे कि पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष में हमें पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण किस तरह करना चाहिए, पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। साथ ही आज आपको एक एपिसोड में बताएंगे कि किस एक उपाय से आपके सात पीढ़ी के पितृजनों का आशीष, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम पितृ देवो भव। मित्रों जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है पितृ देवो भव, यानी पितरों को शास्त्रों में देवताओं के समान संज्ञा दी गई। हमारे पूर्वज जिनकी वजह से हमारा जीवन है, उनकी पूजा करने के लिए शास्त्रों में 16 दिन पितृपक्ष के कहे जाते हैं। शास्त्रों में और भगवान के द्वारा भी, भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि पितरों की पूजा मुझसे पहले आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि पितरों की कृपा से ही घर में सुख शांति समृद्धि आती है, आरोग्यता आती है और वंश वृद्धि होती है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य घर में किया जाता है तो देवताओं की पूजा से पहले पितरों की पूजा की जाती है। नांदी मुख, श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। शास्त्र कहते हैं यदि पितृ खुश होते हैं तो वो अपना आशीष देते हैं, जिससे कि घर में आरोग्यता की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है। यदि आपके जीवन में पितृ दोष है तो उसको इन्हीं बातों से पहचाना जा सकता है कि घर में अनावश्यक बीमारियां लगी रहती हैं, अनावश्यक चीजों पर धन खर्च होता है और आपकी जो चल अचल संपत्ति है उसका भी धीरे धीरे क्षय होने लगता है। इसका मतलब कि आपके पितृ संतुष्ट नहीं है। शास्त्रों में इसीलिए आश्वन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा गया। शास्त्रों के मुताबिक पितृगण चंद्रमा में रहते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और आश्वन मास में चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट रहता है। यही वजह है कि इन 16 दिनों में पितृपक्ष का आयोजन हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, यानी कि चंद्रमा से हमारे पूर्वज निकल करके इन 16 दिनों में हमारे घर पर आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो हमारा वृक्ष है, ये वंश हमारी बेल है, ये हमारा आदर सत्कार किस तरह से कर रही है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन 16 दिनों में सारे शुभ कार्य वर्जित कर दिए। ये 16 दिन हमें केवल पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों की पूजा के लिए जो श्राद्ध कर्म का विधान बताया गया है, श्राद्ध क्या है? श्रद्धा इत श्राद्ध, अपने पूर्वजों के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के ये 16 दिन है कि आपकी कृपा से हमें ये जीवन मिला, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख शांति है, आपकी कृपा से धन वृद्धि हो रही है। तो हमें अपने पूर्वजों की कृतज्ञता व्यक्त करने के ये 16 दिन शास्त्रों ने और संतों ने दिए। तो इन 16 दिनों में हमें अपने पूर्वजों को ही समर्पित होकर के पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के ये 16 दिन पर्व की तरह मनाए जाते हैं। जिस तिथि में हमारे जिस पूर्वज का देहांत हुआ है उस दिन उस तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। जैसे पूर्णिमा तिथि को यदि आपके किसी पूर्वज का श्राद्ध हुआ है, पितृ का देहावसान हुआ है, तो उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहिए। जिनकी मृत्यु प्रतिपदा में हुई है आपको ज्ञात है तो उनका श्राद्ध आप प्रतिपदा में करें। यदि आपको पता नहीं है कि हमारे पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन उनकी मृत्यु हुई, हमें किस दिन करना चाहिए, तो जो पितृ पिता के समान है उनका श्राद्ध आप अष्टमी तिथि में कर सकते हैं। पितृपक्ष की नौमी तिथि मातृनवमी कही गई है, यानी कि आपके कुल में जो स्त्रियां हैं, महिलाएं, उनका श्राद्ध यदि आपको तिथि पता नहीं तो आप मातृनवमी के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। संतों का श्राद्ध, गुरुजनों का श्राद्ध यदि आपको तिथि पता नहीं है तो आप द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपके कुल में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध या तिथि पता नहीं है तो चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहिए। और यदि इन तिथियों में भी यदि आप श्राद्ध ना कर सकें तो जो सर्व पितृ अमावस्या है उस दिन
अपने सभी कुल पूर्वजों का श्राद्ध आप कर सकते हैं। वैसे यदि आपको तिथि पता है तो उसी तिथि में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। उनकी कृपा से घर परिवार में सुख शांति आती है, धन की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। पितरों की कृतज्ञता व्यक्त करें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, यह पितृपक्ष के दौरान हमें करना चाहिए। अब वो एक विशेष उपाय आपको बता रहे हैं जिसको करने से आपको 7 पीढ़ी के पूर्वजों का आशीष प्राप्त होगा। मित्रों, देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण, ये 3 ऋण शास्त्रों में बताए गए। इन तीनों के ऋण से हम कभी उन्नत नहीं हो सकते। इन तीनों का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि देवताओं की कृपा, कुल गुरु की कृपा और पितरों का आशीष, ये कभी हम उनको ये कर्ज उनका उतार नहीं सकते। लेकिन हम पितृ पक्ष के दौरान उनका श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान करके हम उनको कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, उनका आशीष प्राप्त कर सकते हैं।